की रेसिपी है पास्ता, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम पास्ता लिया है, 2 टेबलस्पून वाइट सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून ऑरिगेनो लिया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है, 2 प्याज लिए हैं कटी हुई और 2 टमाटर लिए हैं। उसके बाद मैंने पास्ता को बॉयल कर लिया है। पास्ता जो है अच्छे तरीके से बॉयल करना है, ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके बाद हम अनियन डालेंगे। अनियन को फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर जो है ब्राउनिश ना हो जाए। फ्राई करने के बाद जब इसका कलर ब्राउनिश हो जाएगा तो हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल के अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इन्हें मिक्स करने के बाद हम इसमें काली मिर्च और नमक दोनों चीज़ें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया है। दोनों चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसमें पास्ता डालेंगे। पास्ता डालने के बाद भी हमें इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और आप इसे बच्चों को सर्व कर सकते हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद होता है। और मैंने इसे विदाउट वेजिटेबल्स और विदाउट सॉसेस बनाया है, तो बच्चे इसे खाना ज़रूर पसंद करेंगे। जिन बच्चों को वेजिटेबल्स नहीं पसंद वो ज़रूर खाएंगे। उसके बाद इसमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल देंगे और ये जो है रेडी हो चुका है पास्ता, बिल्कुल गर्मा गर्म आप इसे सर्व कर सकते हैं। हमारा पास्ता जो है वो रेडी हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।